हेलो। हाँ शाकिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वो नूरकन भाई, वही अपने भाई जो है उस पर कॉल पर है, वो कह रहे थे मतलब रजवी बनने तो कह रहे थे बरेलवी। अच्छा अच्छा, कॉल पर जी भाई बोलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। हाँ तो हजरत ये कह रहे हैं कि जैसे देवबंदी के चार अकाबिर हैं जिन्होंने गुस्ताखियां की हैं, हाँ ठीक है, तो इनको बतला दीजिए, वो खुलासा करके बतला दीजिए इनको। ये कह रहे हैं हमें पता तो चलना चाहिए इस चीज का। भाईजान आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजहर हुआ। मजहर भाई माशाल्लाह, आपने पहले सलाम किया था, मैंने आपके सलाम का जवाब दे दिया। और वैसे आपने वीडियो बनाए थे, वीडियो हम देखे हैं, समझे ना? अच्छा, वीडियो बहुत अच्छी लगी और हमको कुछ लगा कि हो सकता है कि हम गलत रास्ते पे हैं। भाई वो नंबर भी दिए थे, वो ऐसे नंबर लेके फोन किए शाकिर भाई को, है ना? तो हमको थोड़ा सा मालूम करना कि है हकीकत क्या है। हम तो आम मुसलमान है, बस इतना पढ़े लिखे है नहीं। जी जी जी, मेरी भी यही हालत थी पहले, कभी मैं खुद भी 15 साल से ज्यादा देवबंदियों में रह चुका हूँ और मुझे भी बुरा लगता था जब कोई बरेलवी आलिम ये बताता था कि फला देवबंदी आलिम ने ऐसा लिखा अपनी किताब में, फला देवबंदी आलिम ने ऐसा लिखा अपनी किताब में, तो मुझे भी जो है यकीन नहीं हो पाता था और मैं सोचता था कि शायद ये बरेलवी लोग जो है ना लड़ाकू हैं, झगड़ालू लोग हैं और ये लोग जो है ना किसी को सही बात नहीं बताते, मेरा ऐसा जहन था। समझ रहे हैं भाईजान? जी जी समझ रहे, बोलिए। मैंने भी जो है बहुत सारी किताबों की जी, वो तो बोल रहे मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह और जो मौलाना अस्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, तो इनको आप रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं जी? आप इनको रहमतुल्लाह अलैह मानते हैं? देखिए आप ही, अगर आप ही इस मसलक में 15 साल थे तब क्या मान रहे थे जी? अच्छा अच्छा, हैं मैं जैसे अभी आप उस मसलक में है, अभी आप उसको आला हजरत रहमतुल्लाह मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदमी किसी मसलक में रहता पर उसको मानता ही है। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, आपका जहन है, आपकी अपनी मर्जी रहेगी, जैसे भी आप चाहेंगे वैसा आप कर सकते हैं। जी जी, चलिए मैं बताता हूँ। आप ये बताएं भाईजान, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बड़ी जात किसकी है? मेरी पाक की है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में अगर कोई बंदा बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, तो बंदा मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? इमाम से खारिज हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आपके वालिद साहब जिंदा हैं या इंतकाल कर गए? मैं भी वो हयात से हैं। हयात से हैं जी जी। हाँ चलिए, बड़ी अच्छी बात है। मैंने जिंदा का लफ्ज इसलिए बोला, जिंदा हैं या मर गए ऐसा नहीं बोला मैंने, इसलिए कि बेअदबी का लफ्ज है। जी जी जी। मगर मैं ऐसा बोलता कि जिंदा हैं या मर गए तो शायद आपको मतलब गुस्ताखी नजर आती, बेअदबी नजर आती, मेरे लफ्ज अच्छे नजर नहीं आते। जी जी, बात सही है, अल्फाज इस्तेमाल किए बढ़िया आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला इन लोगों ने लिखा, झूठी बात लिखी, हालांकि किसी हदीस में कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये ऐसी बात किसी भी हदीस में दिखाने, मेरी तरफ से 1,00,000 रुपए का नगद इनाम है। जी जी। इन्होंने कहा, इन्होंने कहा अपनी किताब में तकवीतुल ईमान में कि गोया हुजूर ने ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। मुझे इतना टाइम हो गया इनसे ये हवाला मांगते हुए, ये हदीस मांगते हुए कि हुजूर ने कौन सी हदीस में ऐसा फरमाया है, मुझे दिखाइए कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, वो कौन सी ऐसी हदीस है, जरा दिखाएं, सामने लाएं। तो आज तक ये नहीं लाए। अच्छा, फिर उसमें जो है ना तावीले करते हैं, मिट्टी में मिलने से मुराद मिट्टी से मिलना है, मिट्टी से मिलना और होता है, मिट्टी में मिलना और होता है। और दूसरी बात, और दूसरी बात ये है कि मुझे पहले इस बात का जैसे जवाब दें के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिट्टी में मिल जाने का लफ्ज, ये जो इन्होंने इस्तेमाल किया, क्या ये कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है? ये, है ना। एक बात, दूसरी बात,
एक मिनट, पहले मैं पूरा इसको समझा दूं। अल्लाह रसूल का जो कानून है वो हमारे लिए एकदम अटल है, अमर है। अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया इकराम के जिस्मों को खाए। सुनी होगी आपने हदीस? जी जी हाँ, ये हदीस सुनी हूँ। अंबिया की जात बहुत बहुत बड़ी जात है। जो हाफिज कुरान है ना, जी जी, जो हाफिज कुरान है जी, बामल हाफिज कुरान अहले ईमान। देखिए मैं समझाना चाहता हूँ आपको भाईजान, डिस्टर्ब ना करें। आपकी बात सुन, हम वीडियो देखे हैं और ऑडियो भी सुने हैं, भेजे हैं साकिर भाई ऑडियो, हम पूरा समझ गए। हम एक बात दिक्कत करता था, इसलिए हम ये क्लियर कर दीजिए बस। हम अभी हम आपको जो कहिएगा मोबाइल भी कहूँ जी 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 बोले बोले। हम पूरा समझ गए, ऑडियो भेजे थे वो जी साकिर भाई, और वीडियो भी देखे उनका हम। हमको एक ही है इसमें जो हकीकत बात है जी जी बोले, ये जो है बताइए हमको क्लियर, जैसे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का मजार पे गए, ठीक है? अच्छा ठीक है, गए उनके मजार पे हम, फिर उनसे जैसे हम, मेरी शादी हो गई है, औलाद नहीं है, तब उनसे औलाद मांग है ना, तो दिक्कत ना है? देखिए देखिए सुनिए अब मेरी बात, हमारे किसी आलिम ने ये नजरिया किसी को नहीं दिया के आप जो है डायरेक्ट उनसे कहिए कि ए आला हजरत या ए ख्वाजा गिरनवाज या ए गौसे पाक, आप हमें औलाद अता करते हैं, आप हमें औलाद अता करें। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता हमारा कोई भी आलिम। हाँ, आपको अगर किसी चीज की हाजत है तो आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं, इसलिए जाएं कि उनको आप वसीला बनाएं और उनसे जाके दुआ करें। इस तरह जो भी पढ़ने का है पहले पढ़ लें, ठीक है? जो भी पढ़ने का है पढ़ लें, फिर उसके बाद आप दुआ करें, और जो जो हाजतें हैं उन सबके लिए दुआ करें, और जो है उम्मत मुस्लिमा जितनी भी है इस दुनिया में मौजूद या इस दुनिया से जो चले जा चुके हैं सबके लिए दुआ करें और अपनी हाजत की तलब करें। अपने लिए भी जो हाजत है वो मांगे, इस तरह मांगे, या अल्लाह मित्र महबूब की बारगाह में आया हूँ, अल्लाह मेरे आमाल ऐसे नहीं है, मेरी जुबान ऐसी नहीं है कि मेरी जुबान तेरी बारगाह में कबूल हो, तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, इनके वसीले से मेरी इस बात को कबूल फरमा, तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, इनकी जो है जगह पे आया हूँ, जो जो भी कहने का है जिस अंदाज में भी कहने का है, जहाँ की जो भी भाषा है जो भी बोली है, हाँ जैसे बच्चा जिद नहीं करता पैसे मांगता है, बच्चा जिद करता पैसे मांगता है जी 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 जी, नहीं भी होते हुए तो माँ बाप पैसे दे ही देते हैं बच्चे को जब जिद करता है, तो इसी तरह हमें अल्लाह से वहाँ गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी चाहिए उनके वसीले से, और उन अल्लाह के वली से कहो ये अल्लाह के वली मैं आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप मेरे हक में दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं ना, आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। हम जो है किसी भी, हमारे जो कोई भी आलिम है कोई से भी हो, आप किसी एक का कोई ऐसा हवाला दिखा दें जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं डायरेक्ट उनसे मांगो जाके, ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं भाईजान, इल्जाम है ना, ये इल्जाम है, कोई साबित नहीं कर सकता हमारे किसी आलिम। ये मान रहे हैं कि डायरेक्ट हम किसी खाजा जो है वो मेरी बात सुनिए, मैं पहले समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मांगना भी दिखाऊंगा देवबंदियों के घर से, अगर डायरेक्ट नहीं मांग सकते तो फिर देवबंदियों के जो पीर हैं उनके बारगाह में जाके देवबंदी क्यों मांगते हैं डायरेक्ट उनसे, उनसे हाजिम दादुल्ला मुहाजिर मक्की से जी, थानवी जी की किताब है इमदादुल मुश्ताक, थानवी जी ने खुद लिखा है कि थानवी जी के एक पीर भाई थे जो के बिरादरी से जोलाहा किस्म के थे, जोलाए थे, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा तंगदस्ती के हालात आ गए, यहाँ तक के वो रोटियों के मोहताज हो गए, तो थानवी जी के पीर भाई आला हजरत हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की, हमारे आला हजरत नहीं, हाँ समझ गए समझ गए, हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की ये देवबंदियों के आला हजरत है। अच्छा आला हजरत है ये? हाँ देवबंदियों के ही आला हजरत है। आज हम ये समझे भाईजान,
हम तो समझ रहे थे कि वहाँ काफी नानुसी रहमतुल्लाह अलैह ये है या तो असफाई ये है बस करे है। अरे भाई बहुत लंबा पेट है, मैं इनमें बहुत रहा हूँ और मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मेरे भाई, समझाने के लिए पूरी रात भी काफी है, पूरी रात कम पड़ जाएगी। इसकी गलत मानते हैं किसको, इसकी जो गलत मानते हैं हमें मानते हैं कि डायरेक्ट किसी बाबा से। देखिए सुनिए सुनिए, डायरेक्ट देखिए, हाँ सुनिए, डायरेक्ट कोई अल्लाह के वली से नहीं मांगता, अगर डायरेक्ट मांग भी ले तो इसमें कोई शिर्क नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ, ये कुरान है। अच्छा कौन सा आयत का तफसीर है? जी बिल्कुल इंशाल्लाह मैं आयत आपको बता दूंगा, ठीक है? शाकिर भाई आपको मालूम है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रहा है। ये आयत मालूम है क्या, याद है क्या? हाँ मेरे भी जहन से उतरी हुई है। आप एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उन सहाबी रसूल को याद कीजिए कि जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया था और हुजूर के विसाल के तीसरे दिन बाद आए थे और हुजूर से कह रहे थे कि अल्लाह का कुरान में ये फरमान है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। तो अल्लाह के जहाँ भी, एक मिनट, अल्लाह के जहाँ भी महबूब बंदे हैं, जहाँ भी बरगुजीदा बंदे हैं, जहाँ भी अल्लाह के वली मौजूद हैं, जहाँ अल्लाह के नबी मौजूद हैं, आप उनकी बारगाह में चले जाइए जो अल्लाह के खास हैं। भाई फैमिली बोलने दीजिए एक बार, एक बार बस एक मिनट। जी बोलिए। बोल रहे हैं ये जैसे अभी आप बोले कि अगर कोई डायरेक्ट जाके सिर्फ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से या और जो उलमा चाहिए बुजुर्गान दीन है जो लेते हुए हैं, है ना, जिनका इंतकाल हो गया है, ठीक है ना, उनसे डायरेक्ट जैसे मांग रहा हूँ अल्लाह से नहीं बल्कि डायरेक्ट उनसे ही मांग रहा हूँ कि हजरत आप औलाद नहीं औलाद दे दीजिए, क्या आप उसको गलत मानते हैं? आप यार हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मेरे बात पहले तो मेरी ये बात समझ में आई, जिस काम का हुक्म हम जो है नहीं देते इसमें, अच्छा आप जो है ना, पहली बात तो ये है कि देखिए डायरेक्ट मांगना, आप मुझसे कोई चीज ले रहे हैं मुझसे ही तो मांगेंगे डायरेक्ट, मुझे खुदा समझ के मांगते हैं कि खुदा का बंदा समझ के मांगते हैं? रोटी आप अपने घर में मांगते हैं, खाना आप अपने घर में मांगते हैं, खुदा समझ के मांगते हैं? खाना खुदा ही देता है ना, अल्लाह ही देता है ना रोटी? आपका आपका ये नजरिया है कि अल्लाह ने अता किया, देने का ताकत दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने उनको जो है अलग अलग जो है मर्तबे अता किए हैं, ठीक है जी जी हाँ, अलग अलग मर्तबे अता किए हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग जाते हैं और वहाँ से मुरादें पाते हैं और खुद थानवी किसी अल्लाह के वली की दुआ से पैदा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, थानवी की माँ किसी वली की बारगाह में गई और वहाँ दुआ की। अच्छा दुआ थानवी की किताब, एक मिनट, दुआ थानवी की किताब उठा के देख लो आप। हम देखिए निवासन भाई, हम देखिए हम ये नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम बहुत आपसे अदब से पूछ रहे हैं, मानते हैं आपसे, ये पूछना चाह रहे हैं आप, ये देखिए यार अल्लाह ने अता किया है, मैंने तो अपनी बात बता दी, मैं कैसे दुआ करता हूँ यार, मेरे मतलब आप किसी पर कोई इल्जाम क्यों डाल रहे हैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से अपना दिमाग हमारे पर मत चलाएं। और दो एक लफ्ज में हमको बतला दीजिए अल्लाह औलिया अल्लाह को अल्लाह ने अदर किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट और एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट, अगर अल्लाह का बंदा समझ के कह रहा है तो जाहिर है कि ये अल्लाह से मेरे लिए जो है दुआ करेंगे, ये मुझे इस हाजत से नवाज देंगे, और खुदा समझ के मांग रहा है तो ये शिर्क है। अगर उन्हें खुदा समझा और खुदा समझ के मांगा, मेरी बात सुने, खुदा समझ के मांगा, खुदा समझा कि नहीं यही देंगे ये खुदा है, समझे, तो खुदा समझना ये शिर्क है, और अल्लाह का बंदा समझ के मांगा और ये जो है अपना ज़हन रखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जो है बहुत सारी, हाँ बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, समझे भाई, आदमी भी नहीं खुदा नहीं समझता अल्लाह के वली को, कोई भी चला जाए तो वो अल्लाह के वली को खुदा नहीं समझेगा, समझ रहे हैं भाई, अल्लाह के नेक बंदे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ये मानता है खुदा खुदा भगवान अल्लाह एक ही है, दूसरा कोई नहीं है, सब जानता है पूरी कायनात ये मानता है। बहुत चीज बताइए भाईजान मुझे, आपको खुला हुआ अभी भी कुफ्र समझ में नहीं आ रहा है,
कि अरशद मदनी जो है सीधा सीधा बोल रहा है कि इसकी कुछ पंडितों से बात हुई और कुछ लोगों ने इसको कहा कि हमारा जो है ये ओम और ये और वो जने क्या क्या अल्लाह है ना, तो इसने कहा कि ओम है क्या? मेरी बात सुनिए, मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ समझना चाहते हैं, मुझे नहीं लग रहा है, मेरी बात सुने, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। हम आपकी सारी बात ऑडियो में वीडियो में सुन लिया, बस हमको एक कंफ्यूज है ये मांगने अच्छा, वाला और बताइए सिर्फ तक पहुंचाने वाला, बस हमको ये कंफ्यूज है। मैं भी अरे मुझे तो यहाँ तक समझाया गया था कि अगर अल्लाह के वली की बारगाह में किसी को जो है सलाम कर लिया और ये समझ लिया कि ये सुनते हैं और जवाब देते हैं तो शिर्क हो जाता है, मैं तो डर के मारे काम भी नहीं करता था। अच्छा ये बात तो है, ये तो हदीस में भी है कि भाई तो इस्लाम जाओ सलाम करो अस्सलाम अलैकुम, मगर हाँ मगर हमारे दिल में यहाँ तक डर बैठाया गया कि अल्लाह का वली कोई नहीं सुनता, सिर्फ अल्लाह सुनता, अल्लाह के अलावा कोई नहीं सुनता, मरने वाला इंतकाल करने वाला नहीं सुनता। मगर जब मैं सुन्नत में आया हमको हर चीज से अबेली मतलब हमको पूरा इत्तेफाक है, हम मानते हैं बिल्कुल इत्तेफाक है। देखिए आप इत्तेफाक रखे ना रखे मुझे तो कोई गरज नहीं, जो हमारा नजरिया है जो हमारा अकीदा है हमने वो आपको बताया, ठीक है, मैं कैसे दुआ करता हूँ मैंने वो भी बताया है ना। अब हमारे ऊपर कोई कीचड़ उछाले, कोई हमें कुछ भी कहे, तो हमारे ऊपर उससे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जहन में क्या क्या डाला गया है नहीं डाला गया है अल्लाह बेहतर जाने, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ ज्यादा। आप उस बात को कर रहे हैं जिस बात का हम जो है आपसे खुलासा कर रहे हैं, भाई हम हमारे उलमा बताते हैं कि इस तरह से दुआ करो, इस तरह से दुआ मांगो, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने तो भाई अरे बीच में बोलते हो यार, समझ में बात नहीं आती मेरे दोस्त, एक आदमी जब कुछ समझा रहा है तो बीच में क्यों बोलते हो यार, या तो मना कर दो कि मुझे समझना ही नहीं है, अगर समझ रहा तो ये फोन की है, तो फिर बीच में बोलने में डिस्टर्ब कर रहे हो यार आप, फिर बात कैसे समझ में आएगी, इधर मैं बोल रहा हूँ कुछ बता रहा हूँ उधर आप बोल रहे हो कुछ सुन, मैं बोलूंगा और आप भी बोलोगे तो क्या समझ पाओगे, तुम्हें ही समझाने के लिए तो मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम में किसी से बात नहीं करता हूँ। हमने से फिर बोले आप, अगर तुम बात पूरी कर लो क्या पूरी बात पूरी करो, वही पूछ रहे थे आपसे क्या बोल रहे थे बीच में आप। मैं ये बोल रहा हूँ हम में से कोई भी किसी अल्लाह के वली को खुदा समझ के नहीं मांगते, अल्लाह का बंदा ही समझ के कोई भी हाजत जो है वहाँ पूरी कराने के लिए जैसे दुआ करते हैं। जी आप मेहमान हैं किसी के यहाँ, आप मेहमान हैं ठीक है जी। आप उसके यहाँ मिलने के लिए रोज आया जाया करते हैं, मोहब्बत बढ़ेगी कम होगी? मोहब्बत बढ़ेगी, रोज जाएंगे कम होगी ना, रोज जाएंगे तो कम होगी, रोज जाएंगे बढ़ेगी मोहब्बत बढ़ेगी। जी जी देखिए दुनियावी मामला तो ये है कि मोहब्बत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, रोज रोज जाने से आदमी हकीर भी हो जाता है लोगों की नजरों में, मगर अल्लाह और उसके वलियों की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ रोज रोज जाने से मोहब्बत बढ़ती है, अकीदत बढ़ती है, समझे हजरत। हर जगह मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, हर जगह आपकी रहनुमाई करूंगा, आप जैसा चाहे ले, हमारा कोई भी एक अकीदा, हमारा कोई भी एक नजरिया, हमारा कोई भी एक अमल ऐसा बताइए जो शरीयत के खिलाफ हो, नाजायज हो, हराम हो, शिर्क हो, बिदत हो, ठीक है, बिदत ये हसना वाली नहीं, बिदत सैया। हाँ आप हमारे ऊपर कोई एतराज करिए, हम उसका जवाब देंगे, आप हम बोले आप बोलिए, हमको देखिए आपके मतलब क्या है, हमको पूरा समझ में आ गया है, एक जो स्टाल है इसका जवाब दे दीजिए, कायदा ना अभी हम ये कबूल कर लेंगे, नहीं आप कबूल करें ना करें, मेरा मतलब आपको कबूल कराना नहीं है, माना आज सुनिए सुनिए ना भाईजान, आदमी मानता है तो अपने आप से ना तो किसी के बाप से नहीं मानता। जी 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 हाँ हमको मेरा सवाल ये है, हाँ ये पूछना चाहता हूँ मेरा कि जैसे कोई भी औलिया अल्लाह को आप मानते हैं कि अल्लाह ने उसको अता किया है औलाद देने का ताकत या कोई देने का ताकत अल्लाह दिया ताकत। अच्छा एक मिनट, वो वाकया आपने सुना है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था?
हाँ, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी औरत ने पूछा था कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह ताला से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, हम कलाम होते हैं, आप मेरे बारे में मालूम कीजिएगा कि मेरे हक में भी कोई औलाद है या नहीं, तो अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया था। अच्छा हाँ, ये बात सुना है। तो फिर कभी एक अल्लाह के वली उधर से गुजरे और उन्होंने वहाँ कुछ जो है तलब किया, कुछ हाजत की, मांगा। वहाँ अल्लाह के वली हैं और मांग किस से रहे? एक आम आदमी से, एक आम इंसान से। किसी वली से भी नहीं मांगा, एक आम आदमी से मांगा, समझे? हाँ, जब आम आदमी से मांगा और फिर पूछा कि बेटी क्यों परेशान हो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, बाबा ऐसे ऐसे बात है, मुझे कोई मतलब औलाद नहीं है। तो अच्छा, तो उन्होंने फिर जो है दुआ की और उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी अता की, जो उसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी हुई थी, वो औलाद लिख दी और लिखा गया है कि 7 औलादें उसको हुई। अल्लाह ताला से जिद कर ली उस औरत ने, अल्लाह से नहीं कहा, उनसे कहा, वली से जो उसके दर पे आए थे। तो आप बताइए इसको मुझे, और इसको थानवी जी ने भी लिखा है। हाँ, और एक वाक्य और लिखा थानवी जी ने कि गौसे आजम का जब इंतकाल हुआ और जब फरिश्ते सवाल के लिए पहुंचे, ये वाला भी वाक्य लिखा है थानवी जी ने अपनी किताब में। मगर इसी को लेके हमारे पर लोग तंज करते हैं, अपने घर की किताबों का इल्म नहीं है और लोगों को बहकाते फिरते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, खुल्लम खुल्ला आप तोबा करें ना करें मेरे भाई, सिर्फ इतना बता देता हूँ, अगर इस दौर में अगर कोई हक जमात है तो वह अहले सुन्नत की जमात है, सुन्नी हनफी बरेलवी है, जो मसलक है आला हजरत पर अपने आप को कायम किए हुए हैं, यही लोग हक पर हैं। देखिए, हक तो हम भी मानते हैं, आज तक दिल से बतलाते हैं, आज तक हम गलत नहीं बोले, ये काफिर है, ये है। देखिए, हम लोग शादी भी करते हैं, अपनी बहन की शादी भी हुई है, ऐसी बात नहीं, लोग शादी करते हैं, जगह में रहते हैं, ठीक है। देखिए, ये गाने का साउंड किधर चल रहा है, वो बंद कीजिए, ठीक है। साइड जाइए, अलग हट जाइए, ठीक है। आप थोड़ा हट जाए, अलग मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, देवबंदियों के बहुत बड़े बड़े कुफ्र हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी तक इनका कोई कुफ्र नहीं गिनवाया, चलिए मैं कुछ कुफ्र गिनवाई दूं। देखिए, देवबंदी, देवबंदियों का मौलवी अशरफ थानवी, जो अपनी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब को जानवरों के इल्मे गैब से तशबीह देता है, ये खुला हुआ कुफ्र है। मैं अगर आपके इल्मे गैब को कुत्ते, जानवर, सुअर के जैसा बताऊं तो आपको अच्छा लगेगा, या आपके वालिद के लिए बता दूं? जी बिल्कुल भेज सकता हूं, आपको अभी चाहिए? हाँ, अभी चाहिए हमको किताब, बिल्कुल अभी। ऊपर का फोटो भेज के दीजिए। शाकिर भाई, इनका व्हाट्सएप है आपके पास? जी है। एक मिनट, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इनको भेज दें और इनका नंबर आप मुझे भेज दें। जी मैं आपको इनका नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, नंबर ले लीजिए। यार बात आते हैं ना इनके मौलवियों की, बहुत सारी भेजते हैं इनके। गुलकम भाई जी, हजरत, तो वो स्कॉल दूर नहीं किया मेरा, कौन सा? मैं मनवा नहीं सकता हूँ, सिर्फ बता सकता हूँ, मनवा नहीं सकता मैं आपको। नहीं, मनवाना नहीं, हम वो स्टॉल बतलाए नहीं, क्लियर हूँ। आप ठीक है, बतलाओ, चलो मैं बतलाओ, क्या मैं मनवा नहीं सकता हूँ, बता सकता हूँ सिर्फ, मैंने कह तो दिया। बोलो मजहर भाई, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप ये मानते हैं या हम तो ये चीज़ नहीं मानते, हम ये मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई कुछ दे नहीं सकता है। अच्छा, एक मिनट सुने, अल्लाह के अलावा अगर कोई कुछ नहीं दे सकता है, ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अल्लाह के अलावा कोई गैब से कोई कुछ नहीं दे सकता है, गैब से सामने से, जैसे आप हेल्प कर सकते हैं हमको, अलग बात है, गैब की बात अपना। देखिए, आप ऐतराज कर रहे हैं जो पैर ना चले। जी जी बोलिए। जो ऐतराज जो तुम्हारा है, मुझे लगता है कि ये मतलब, देखिए, अल्लाह का फरमान है कि जो ऐसी बातें करते हैं ना, कि जो किसी फायदे की ना हो या उनके नफा नुकसान की ना हो, जिनको बता दिया जाए तो फिर उससे खसारा उठाएं, बेवजह की बातें पूछने वाले पर अल्लाह का जुल्म है, ये याद रखना।
जी हाँ बेवजह बातें ना, ये बेवजह की बातें पूछना। देखो नजर भाई सुनो, जी जी कहने वाली बात अल्लाह ही की है, ठीक है जी जी जी। हमारा कीदा हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है जी, हमारे किसी मौलवी ने ये ना लिखा कि अल्लाह के बंदी औलाद देते हैं, बल्कि अल्लाह के बंदी अल्लाह से दुआ करते हैं, अगर औलाद किस्मत में ना भी होती है ना तो बंदी दुआ करते हैं तो किस्मत बदल जाती है, किस्मत बदल देता है अल्लाह, समझ गए यार। ये बोलते तो रहते हैं बीच में, अब आज भी कोई बात बता रहा है तो फिर अभी मैं उधर सात बच्चों वाली बात भी भूल गया, फिर इनके चक्कर आदमी कोई बात बताएगा तो बताएगा कहाँ से, जब ये बीच में खड़पड़ 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 करते ही रहेंगे तो। हाँ यार समझने की कोशिश नहीं कर रहे, नहीं समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और बहरहाल हमारा तो खुल्लम खुल्ला ऐलान है, दुनिया देवबंदियत में कोई भी देवबंदी बड़े से बड़ा निकल के आ जाए इंशाअल्लाह मैं देवबंदियों के चार अकाबिर को काफिर साबित करूंगा, और जो उन काफिरों को उनके कुफर को जानते हुए उन्हें मुसलमान मानते हैं वो भी काफिर हैं, और उनके कुफर में कोई शक नहीं जी। और जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में भी उसी के साथ उसका हिसाब किताब होगा, उसी के साथ अल्लाह ताला उठाएगा। हाँ ये यार डीजे से हट जाओ यार, मेरे भाई दूर नहीं हुआ जा रही है यार आपसे। असल बात है ना कि वो गाँव में आके रुक गया, ठीक है ना। हाँ। डीजे ना कर सकते हैं आप, मेरी इसमें तो ये प्रॉब्लम है, उनका ये एडिक है। हाँ, तो मेरे भाई बहुत से देवबंदियों ने तौबा की है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, और मेरे समझाने पर उन्हें बात कुछ समझ आई और तहकीक की, और अभी कुछ ही दिनों की बात है शफी नाम का एक भाई है, इतनी मेरी उससे लड़ाई होती थी, हुज्जत होती थी, हुक्ताक होती थी, वो बार बार मुझे कॉल करता था चिड़ चिड़ के, और मैं हर बार उसको फंसा दिया करता था। हर बार मैं उसके घर से हवाला दे के उसको कहता था छुट्टी चल जा, तेरा हवाला और तेरा फतवा तेरे गले में डाल दिया, अब जा समझे। फिर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी समझे, और उसने तौबा कर ली। अब आप मुझे ये बताइए कि रसूल पाक के इल्म गैब का इनकार करते हैं ये देवबंदी, करते हैं ना। इल्म गैब क्या होता है आगे किसी की बात, वो बात छोड़ दीजिए, इल्म गैब क्या होता है वो बात की बात है, क्या होता है वो बात की बात है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने गैब नहीं दिया तो देवबंदियों को कैसे दे दिया, ये हमारा एतराज है। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नबी के लिए कहते हैं कि अल्लाह के नबी को हम इल्म का इनकार नहीं करते, इल्म गैब का इनकार करते हैं, समझे। तो ये हुजूर के इल्म गैब का इनकार ना करके इल्म का इकरार करते हैं, समझे। इल्म का इनकार करते हैं, कहते हैं हमने हुजूर के इल्म का इनकार नहीं किया बल्कि इल्म गैब का इनकार किया। अब सुनिए, हुजूर के तो इल्म का इनकार नहीं किया, इल्म गैब का इनकार किया, मगर अल्लाह ताला के इल्म गैब का इकरार करके अल्लाह के इल्म का इनकार किया। जी हाँ, इन्होंने लिखा है फजाइल अमाल में कि हक ताला शानू अगर ये जानते के अमीरों की जकात से गरीबों का गुजारा ना होगा तो हक ताला उनके ऊपर यानी अल्लाह ताला उन पर कोई और दूसरी चीज फर्ज कर देते, यानी जकात के अलावा कोई और दूसरी चीज फर्ज कर देते। फोटो भेज दीजिए मेरे पास, ठीक है ना, मैं भेज दूंगा। पूरी दुनिया पे छाया पड़ा है ये हवाला मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई भी देवबंदी आज तक जवाब दे ही नहीं पाया। व्हाट्सएप मैं भेज रहा हूँ, आप मुझे नंबर दें, चलिए बताइए आप मुझे। भाई भाई के पास नंबर लीजिए, 47 एक मिनट जी जी। जैसे हम लोग जब बरसात कुछ दिन चले पड़े थे तो उस वक्त याद किए थे खेल लाइन के निशाना उतमा का नहा अबाद अक्सदा बुजुर्ग की इसका मुख्तसर नहीं पाक के ऊपर कि अल्लाह ताला के बाद किसी का मर्तबा व दर्जा उतबा है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्तबा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो हम तो ये हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के बाद किसी का दर्जा मर्तबा रुतबा है तो नई पाक का मर्तबा है, और अल्लाह के बाद किसी का इल्म है तो नई पाक का इल्म है। जी जी ये है, इसमें तो दोस्तों लोग क्लियर हो गया। यही बात है भाई, यही बात है कि नहीं, इसीलिए तो है। जी जी बोलिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले बतलाया गया। नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही अकीदा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, यही होना चाहिए। हमारे किसी अकीदे को कोई भी दुनिया का देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह गलत साबित नहीं कर सकता। हमारा खुला चैलेंज है मेरे दोस्त, आप अपनी तरफ से कुछ घटा बढ़ा के और पढ़ के आओगे और उल्टा सवाल करोगे तो उस वो हमारे जिम्मे नहीं है मेरे दोस्त, है ना। मैं आपको हवाले निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जी मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। ये जो वीडियो तो अपने से कर लिया बंदूक क्या कर सकता है नहीं? क्या चीज जैसे ये तबलीगी जमात शुरू है हुई है तो आपने इनको भी एक दिक्कत है, ये है वो है, जैसे आप जैसे आप ही लोग निकालते हैं दिल्ली लोग बोलने का दिक्कत है, ये है वो है, इन सब चीजें पढ़ पढ़ के अपने में तफरका कर लिया था मुसलमान, क्योंकि हिंदुस्तान में इतना भी क्या क्या हो रहा है सब चीज अपने में सब लड़ रहा है। ये सब देवबंदियों की वजह से हो रहा है, सब देवबंदियों की वजह से सब देवबंदी करा रहे हैं। अब बतलाइए साहब बोल दिए कि किसी पंडित से हमने पूछा, उन्होंने बतलाया कि मुआसद मंदिर साहब पूछेगा किसको पूजा करते थे, ओम के बोलते हैं उसको, मनु के, मनु जब मनु था तो मनु को मनु के बाद कोई इंसान था नहीं, मनु किस क्या करते थे पूजा, बतलाइए। एक हवा था, एक ताकत है, एक किसी की, तो वही बोले कि वही तो हम बोलते हैं, वही बोले आम है, वही बोले कि देखिए मैं बताऊँ एक बात भाईजान जी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 गिरोह होंगे, उनमें सिर्फ एक हक पर होगा, बाकी 72 जहन्नमी होंगे। तो जो मेरे आका ने फरमा दिया वही हक होगा ना जी, वो तो हक होगा, तो 72 बनना है और 72 में एक हक पर होगा, तो अब पहचान करनी है ना हमें कि यार हक वाला कौन सा है, तो हक वाला वही होगा जो अल्लाह रसूल की शान में जो है कोई बेअदबी ना करता हो, अल्लाह रसूल की शान बयान करता हो। जो लोग गैर मुस्लिमों से मोहब्बत रखते हैं जी जी, तो क्या वो हक पर हो सकते हैं? गैर मुस्लिमों की भूतों को बड़े आदमी का बड़ा रहता है, बड़ा आदमी। अच्छा ये बताइए, शैतान भी तो बहुत बड़ा आदमी था, समझ रहे हैं? शैतान भी तो बहुत बड़ा आलिम था। नहीं हम वो नहीं बोले, हम ये बोले हैं कि जैसे हिंदुस्तान है जैसे भाई साहब, ठीक है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब हिंदुस्तान है तो किसी को खुश करने के लिए ये कह दिया जाएगा कि ओम जो है वो एक हवा है, और हवा मतलब ओम जो है कुछ नहीं है, एक हवा है, और फिर उसने अरशद मंडी अरशद मदनी ने कहा कि अरे भाई जिसे तुम अल्लाह कहते हो, जिसे तुम ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। जब ये क्लियर हो गया कि ओम कुछ नहीं है, एक हवा है, हम हवा को अल्लाह की मखलूक मानते हैं, तो जब अल्लाह की मखलूक है हवा तो फिर अल्लाह कैसे हो सकता है? देखिए पंडित ने ये बात बोला था, ये बात ये नहीं बोली, ये तो उनका। अरे भाई इन्होंने कहा है कि उसने ये कहा कि ओम कुछ नहीं एक हवा है, तो इस अरशद मदनी ने उसको ये सुनते हुए कहा कि अरे भाई जिसको तुम ओम कहते हो उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि आप ये क्लिप बना दीजिए भाई। अरे भाई बना हुआ है, उससे मेरी बात करा दो, अरशद मदनी के पास कोई जवाब नहीं है इसका। रोशन भाई सुनिए, सकीर भाई सुनो, अरशद मदनी से हमारे कई सारे सवाल हैं, अगर वो जवाब दे देना तो हम उसे बुलाने करने के लिए तैयार हैं। सुबह 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 30 लाख रुपए का इनाम रखा है, सुबह एक देवबंदी आलिम को 30 लाख रुपए का। हाँ हाँ वो आया था, क्या नाम था उसका रोशन भाई? उसका नाम था ये आरिफ देवबंदी नदबा वाला, ये जानते होंगे। हाँ और वो चैनल देखा मैंने उसका, उसने रखा देवबंदी खंजर, मैंने कहा देवबंदी खंजर क्यों रख लिया, तो देवबंदी बंदर नाम रख लेता उसका चैनल का, क्योंकि बंदर ही है ना ये भाई नूरसन वो मजहर भाई जी बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूँ देखो अरशद मदनी जो है ना जी, इस टाइम देखो कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमा दिया साफ के काफिरों से दोस्ती मत करो,
ठीक है ना। लेकिन अरशद मदनी किससे दोस्ती कर लिया है, काफी रोते हैं आरएसएस के। उसने अपने खुद ही बयान में कहा कि मैं आरएसएस के लोगों से, छोटी के लोगों से जाता हूँ, मिलता हूँ, आपस की बात करता हूँ उनसे जाकर। होली में भी गया है, होली में। हाँ उसने कहा भाई देखो मैंने आपको हवाले भेज दिए, जो मैं भेज रहा था, तलाश कर रहा था, जब से तलाशी कर रहा था भाई तुम्हारा हवाले है मेरे पास, जब तलाश करने की जरूरत आती है तो बहुत देर लग जाती है, मैंने आपको हवाले भेज दिए हैं, आप जरा इनको हवाले भेज दें। एक दूसरी बात ये बताएं कि होली की मुबारकबाद देने ये कहाँ से जाए, क्योंकि हराम काम वो एक होली जाए, एक शिर्क काम है, शिर्क है उसके अंदर, ठीक है, होली में कुफ्र है, तो कुफ्र की मुबारकबाद देना जायज है, ये खुद एक कुफ्र हो गया। किसी गैर मुस्लिम के त्योहार की मुबारकबाद पेश करना खुश होकर, ये कुफ्र है। जी जी ये बिकाऊ मौलवी है, बिकाऊ देवबंदी बिकाऊ मौलवी है, बहुत तारीफ करता है आरएसएस की। हमने आपको हवाला दिया है और हम आपको ये भी हवाला देंगे कि ये देवबंदी जो है अंग्रेजों के एजेंट है, अंग्रेजों के दलाल है। कॉल काट के चला गया, दिखाइए। जाने दो, मुझे मालूम था, मैंने आपसे क्या कहा था। जी जी मैंने आपसे कहा था कि देवबंदी में बहुत सारे मक्कार होते हैं। हाँ हाँ वो ऐसे आते हैं एक तरीके से धोखा देने के, धोखा देने का। कोई बात नहीं, आप इससे बात करते रहे, ठीक है, इसको समझाते रहे, क्योंकि आप हवाले देते रहिए, जो जो ये हवाला मांगे वो आप हवाला इसको देते रहिए। अब बताइए, जबरदस्ती हमारे ऊपर जो है, मतलब ये बंदा आरोप ठोक रहा है कि डारच मांगना, ये मांगना, ऐसे मांगना, वैसे मांगना। अरे यार पहले अपने मुल्लाओं को देख ले भाई, डारच मांगने गया, अल्लाह से नहीं मांग रहा, कब्र से जाके मांग रहा है, और वहां से आवाज भी आई कि तू रोज आ जाया कर, आधा आना रोज मिलेगा। अच्छा हाँ रामपा सिद्ध के खजे लग जाते हैं कुफर के। अब मजार पे चलेगा तो कुफर के सिद्ध के खजे लग जाते हैं। ये तोबा नहीं करते हैं, बहुत वैसे लोग हैं। हाँ सागर भाई, तो इस भाई को जो है आप समझाते रहें, मानने वाला होगा तो मान लेगा, नहीं मानने वाला होगा तो जा जहन्नम। सही बात। हाँ मतलब अगर ये इस दिन सरातल मुस्तकीम पर आ जाएगा तो हमारे नाम कोई प्लॉट थोड़ी कर देगा। सही बात है। और हमें ये मतलब बलगलाने आया, बहकाने आया, सवाल ऐसे करना आया कि भाई इनसे सवाल बतेगा नहीं, इनसे जवाब नहीं दिया जाएगा। अरे कोई देवबंदी ऐसा नहीं है जो हमें गलत साबित कर दे, पूरी दुनिया के देवबंदियों को चैलेंज है, तो ये चूजा आया यार। सही बात। चलिए इंशाल्लाह फिर बात होगी नूरसन भाई, सही है, ठीक है। ठीक है, ये मानने वालों में से नहीं लग रहा है मुझे। हाँ हाँ वो तो लग, इसका हवाला भेज दो, मतलब जितने भी ये सवाल करे इसके सवालों के सारे जवाब। सही है, मैं हवाले भेज दूंगा, मतलब हद करो, मानेगा तो मानेगा, नहीं मानेगा तो जाए भाई। जी जी ठीक है हजरत जी, ठीक। और मैंने तो अभी इसको अभी कुछ ज्यादा बताया भी नहीं है, और ये सुनने की मतलब कैफियत में भी नहीं है। हाँ हाँ समझने की इसकी समझने की कंडीशन नहीं है, समझने वाला तो आराम से समझ जाता है। जी जी हाँ, और इसका नंबर मुझे दे दो आप, मैं इससे प्यार मोहब्बत से बात करके मैं दे रहा हूँ आपको नंबर, दे रहा हूँ। ठीक है आप दो।